छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। परीक्षा तिथि अभी नहीं बताई गई है। मान के चलिए कि कम से कम 3 महीने का समय है आपके पास एग्जाम के लिए। तगड़ी तैयारी करनी है। हमने पूरी तरह से पहले ही इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है कि हम हॉस्टल वार्डन के संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि 100 में से 100 अंक का पूरी तैयारी कराने के उद्देश्य से, वो भी कंप्लीटली फ्री, किसी भी प्रकार से शुल्क लिए बिना, हमारे YouTube चैनल दसी जी पीएससी कोच पे आज से नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। आज मैथ्स और कंप्यूटर की सौरभ सर की क्लास हुई और अभी मेरी जो क्लास है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान का जो वेटेज है वो 10 अंक का है। बाल मनोविज्ञान के बाद जो 4 अंक का योग वाला भाग है उसको हम करेंगे और फिर सामान्य अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हिंदी अंग्रेजी भाषा को करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके 100 में से 55 अंकों की तैयारी सौरभ सर करवाने जा रहे हैं और बचे हुए 45 अंकों की तैयारी मैं अपनी डेली रात को 9 बजे की क्लासेस के माध्यम से करवाऊंगा। इस बात का कमिटमेंट है आपको कि प्रश्न का स्तर चाहे बहुत सरल हो चाहे बहुत कठिन हो, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा पेपर आए या सोच से परे पेपर आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप नियमित क्लास को पूर्णतः समर्पित भाव से फॉलो कर रहे हैं तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और यदि एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रकार की गलती आपने नहीं की तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, आप सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखोगे और उसके बाद पहला कॉल आपका मेरे पास आएगा। ऐसी मैं संभावना रखता हूं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से। तो प्रतिदिन अभी सुबह 8 बजे गणित की क्लास अपलोड हो रही है, दोपहर को 12 बजे कंप्यूटर की क्लास अपलोड हो रही है, रात को 9 बजे अभी बाल मनोविज्ञान चलेगा। तो इस तरह से डेली अभी 3 क्लासेस हमारी चलेंगी, ठीक है। बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान को लेकर के आज मेरी पहली क्लास है और आज की क्लास में हम बाल मनोविज्ञान सिलेबस के अंतर्गत शिक्षा एवं मनोविज्ञान जो पहला टॉपिक है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारी जो टोटल क्लास है वो बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित, जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलेगी और पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। किसी भी प्रकार का अनर्गल या अनावश्यक बातचीत नहीं होगी, न ही अनावश्यक रूप से कोई चर्चा होगी। सिर्फ सिलेबस के टॉपिक पर बात करते हुए टॉपिक को जड़ से लेकर के उसकी पूरी ऊंचाई तक कवर करते हुए हम लेके चले, ताकि उस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आए वो आपसे बने। और हर क्लास में हर टॉपिक में मेरा और सौरभ सर का प्रयास होगा कि उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं वो भी क्लास में कवर कराए और उसके साथ साथ और भी जो संभावित प्रश्न होते हैं वो हम आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस कराएंगे। और हमने अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज द सी जी पी एस सी कोच मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध करा दी है। आप जब भी चाहे उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है और उसमें टोटल 100 से अधिक टेस्ट आपके हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज की जो फी है वो सिर्फ 99 रुपीज की फी रखी गई है। इसको ज्वाइन करने के लिए द सी जी पी एस सी कोच ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी बहुत सामान्य सी बात हुई, जानकारी देना आवश्यक है, नहीं तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं। शिक्षा एवं मनोविज्ञान, इसको भी हम 2 अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है शिक्षा एजुकेशन, इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये किस प्रकार से शुरू होता है, तो जो शिक्षा शब्द है इसको विभाजित करके इस तरह से विभाजित किया जा सकता है। और ये जो शिक्षा आया इसका जो अर्थ होता है ये होता है सीखना, इसका जो अर्थ होता है ये होता है सीखना। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा एवं मनोविज्ञान टॉपिक से शिक्षा के ऊपर हम पहले चर्चा कर रहे हैं। तो शिक्षा को समझना हो,
बहुत आसान है और इसमें जो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग दार्शनिक के अलग अलग व्यक्तियों के, वहीं से लेकर के प्रश्न आए हुए हैं, वहीं से लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे ही ये टॉपिक आज मेरा कंप्लीट होगा तो इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस के लिए आज ही इसी क्लास में आप लोग से सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। स्क्रीन में आपके सामने जो वाक्य लिखा हुआ है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुलश संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका, है ना भाई। तो ये संस्कृत का बहुत शानदार श्लोक है जो मनुष्य के जीवन को परिचित करते हुए कहता है कि आप कितने भी रूप संपन्न हैं, सुंदर हैं, ठीक है, यौवन संपन्न हैं, या कितने भी विशाल कुल में पैदा क्यों न हुए हो, लेकिन यदि आप विद्याहीन हो तो आपका जो जीवन है वो पलाश के फूल की तरह सुगंध रहित हो जाएगा। मतलब कि रूप होने से पहले, सुंदर होने से पहले, क्या बोलना चाहिए, विशाल कुल में बड़े कुल का होने से पहले, मतलब जीवन में सबसे पहले क्या आवश्यक है, तो विद्या आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है। अब देखिए यहां पर दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक शब्द है विद्या और एक शब्द है शिक्षा, है ना भाई। आपने देखा होगा जब हमारा जन्म हुआ, 2-3 साल तक घर में पालन हुआ, फिर स्कूल में एडमिशन हुआ, प्राथमिक स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह से हमारी डिग्रीज बढ़ती गई, हम शिक्षित होते गए। तो व्यवहारिक तौर पर स्कूल वगैरह जहां तक आपने बात सुनी होगी तो स्कूल को हिंदी में क्या कहा गया, विद्यालय कहा गया है, है ना भाई। और यदि यही उच्च स्तर पर चला जाए तो उसको महाविद्यालय कहा गया है, शिक्षालय नहीं कहा गया या महाशिक्षालय नहीं कहा गया। इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण बहुत सीमित है। शिक्षा जो है ना अपने आप में व्यापक अर्थ रखता है, शिक्षा जो है अपने आप में व्यापक अर्थ रखता है, और विद्या जो है अपने आप में संकुचित अर्थ रखता है। मतलब कि विद्या के अंतर्गत क्या होता है, किसी संस्था द्वारा, किसी निकाय द्वारा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत निश्चित या पूर्व निर्धारित शिक्षकों के माध्यम से एक निश्चित कार्यकाल में उनको निश्चित विषयों के ही निश्चित टॉपिक्स को हर बार पढ़ाया जाता है और उसके बाद उसका मूल्यांकन करके परिणाम दिया जाता है। तो ये सीमित कार्य हुआ और ये सीमित कार्य होने के कारण ये विद्या का अर्जन, मतलब कि ऐसी संस्था को विद्यालय कहा गया, शिक्षालय नहीं कहा गया। शिक्षा का व्यापक अर्थ है और शिक्षा का क्या क्या अर्थ संभावित हो सकता है, इसी के ऊपर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सामान्य शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि शिक्षा और विद्या में अर्थ क्या है। आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं शिक्षा और विद्या में दोनों में क्या अर्थ आपको समझ में आया। शिक्षा व्यापक अर्थ रखता है सीखने को लेकर के, जबकि विद्या जो है संकुचित अर्थ रखता है, ठीक है। क्लास इंपॉर्टेंट है, कंटेंट में हम एग्जामिनेशन पर्पस से ही मूव करेंगे, तो शिक्षा का अर्थ क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। शिक्षा जो है ये आपका लैटिन शब्द है एजुकेशन, ठीक है, लैटिन या ग्रीक भाषा का बोलना चाहिए। तो इसके रूपांतरण से ही शिक्षा शब्द एजुकेशन शब्द बना है, ठीक है। तो एजुकेशन में इसमें देखिएगा, एक है आपका ई, मतलब कि ई का जो मीनिंग हो गया वो अंदर से, और डुको इसका मतलब है बाहर लाना, मतलब यहां पर एडुकेटम जो शब्द आ जाता है उसका एक शाब्दिक अर्थ आ जाता है अंदर से बाहर लाना, ठीक है। अब इसके और दो शब्द होते हैं एडुकेटम के, एक है आपका एडुकेयर और दूसरा होता है आपका एडुसियर और एडुकेयर, ठीक है। तो इसमें देखिएगा इसका अर्थ क्या है, टू ब्रिंग अप, आगे बढ़ाना, टू राइज अप, विकसित होना, टू लीड आउट, नेतृत्व करना। ये देखिएगा ये तीनों वर्ड्स को आप इंग्लिश के भी पर्पस में याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश के भी 5 प्रश्न इसी एग्जाम में आपके आने हैं, ठीक है। तो शिक्षा शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से शिक्षा क्या है, तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की जन्मजात आंतरिक शक्तियों को बाह्य परिस्थितियों में
आगे बढ़ाया जाता है, उसे विकसित किया जाता है, उसके विकास के लिए सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। ये क्या है? शिक्षा है। मतलब कि मनुष्य जीवन के ओवरऑल डेवलपमेंट कहना चाहिए, मतलब कि सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा आवश्यक है और यह शिक्षा से ही संभव है। तो ये शिक्षा का अर्थ हुआ। यहाँ पर कोई भी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिएगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया, शिक्षा का जो अर्थ है वो दो भागों में इसको विभाजित किया गया, दो प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, एक व्यापक अर्थ में और एक संकुचित अर्थ में, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो अब हम शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है व्यापक अर्थ में किस प्रकार से होगा और संकुचित अर्थ में किस प्रकार से किया गया है, क्या परिभाषाएं दी गई है, इसको हम देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है वो व्यापक अर्थ में हम देखें तो व्यापक अर्थ में इसका जो तात्पर्य है वो अनौपचारिक शिक्षा से है। इसका जो तात्पर्य है वो किससे है? अनौपचारिक शिक्षा से है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैकेजी का एक स्टेटमेंट है और एक टी रेमंत का एक स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? नाम, मैकेजी के अनुसार और टी रेमंत के अनुसार, मैकेजी के अनुसार और टी रेमंत के अनुसार। तो मैकेजी का स्टेटमेंट क्या रहा? व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। तो मैकेजी ने मुख्य रूप से अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है? जीवन पर्यंत और जीवन के प्रत्येक अनुभव, ठीक है, जीवन पर्यंत है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से इसका विकास होता है, व्यापक अर्थ में, ये मैकेजी ने कहा। और टी रेमंत के अनुसार हम देखें तो शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशवावस्था से लेकर पौढ़ावस्था, मतलब कि शिशु अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक, ठीक है, यहां तक वो गुजरता है और इस दौरान जो भी भौतिक, सामाजिक या आंतरिक वातावरण के साथ वो जो सामंजस्य बिठाता है वो सभी क्या है? शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत सम्मिलित है। किसके अनुसार? टी रेमंत के अनुसार। तो टी रेमंत के स्टेटमेंट को समझना हो तो आपको दो शब्द को पकड़ना है, कहां से? शैशवावस्था से लेकर पौढ़ावस्था, मतलब शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था, और क्या? भौतिक, सामाजिक, आंतरिक वातावरण के साथ सामंजस्य और विकास, ठीक है। अब और व्यापक अर्थ में हम देखें तो शिक्षा निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापक अर्थ में हम शिक्षा को समझना चाहें तो शिक्षा निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा गत्यात्मक, गतिशील, प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एजुकेशन वाले शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे क्लास में कोई स्टूडेंट बैठी हो शिक्षा, तो हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस चीज को समझना आवश्यक है। तो शिक्षा गत्यात्मक, गतिशील, प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। शिक्षा विकासात्मक एवं सृजनशील प्रक्रिया है। शिक्षा अभिव्यक्ति की योग्यता है। शिक्षा अनुभूति की योग्यता है। शिक्षा समायोजन की योग्यता है। शिक्षा अनौपचारिक, औपचारिक एवं निरौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षा ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया है। तो ये शिक्षा का व्यापक अर्थ हुआ। प्रश्न बनता है कि इनमें से क्या क्या शिक्षा के व्यापक अर्थ में सम्मिलित है या इनमें से क्या शिक्षा के व्यापक अर्थ में सम्मिलित नहीं है, या शिक्षा के व्यापक अर्थ से आप क्या समझते हैं, इस तरह के दो तीन प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसका ध्यान आपको रखना है। जो भी क्लास में लूंगा उसका पूरा जो PDF नोट्स है वो द CGPSC कोर्स टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है हमारा, वहां पे डेली शेयर कर दिया जाएगा। और बहुत जल्दी हॉस्टल वार्डन की नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड बुक भी हमारी अभी रेडी हो रही है, तो वो जितनी जल्दी हो सके ये किताब हम आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, ताकि कम से कम पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर सकें। तो ये तो बात हुई क्या शिक्षा के व्यापक अर्थ के परिप्रेक्ष्य में। अब हम देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ के बारे में हम बात करें, ठीक है। तो संकुचित अर्थ का थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, औपचारिक शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा से इसका तात्पर्य है, शिक्षा का संकुचित। अब ये भी एक प्रश्न बनता है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ का अर्थ मतलब होता है क्या?
औपचारिक शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एक निश्चित छात्रों को, मतलब उनको जो स्कूल में एडमिशन लेंगे, ठीक है, निश्चित पाठ्यक्रम का, हर क्लास के हर सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, निश्चित अध्यापकों द्वारा, मतलब हर क्लास के हर सब्जेक्ट के टीचर मेंशन होते हैं और वही टीचर रोज उस सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं, तो शिक्षण प्रदान किया जाता है और उनका निश्चित पद्धति से मापन एवं मूल्यांकन, मतलब कि एग्जाम होता है और परिणाम घोषित किया जाता है, ठीक है, ये जो है औपचारिक शिक्षा है। तो विद्यालयी शिक्षा जो है वो शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत आता है। तो यहां पर देखिएगा मैकेजी का जो स्टेटमेंट है वो महत्वपूर्ण है। मैकेजी के अनुसार शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, या फिर स्टेटमेंट को ही लिख देगा और पूछ देगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। मैकेजी ने संकुचित अर्थ में शिक्षा को किस प्रकार से परिभाषित किया है, मैं रिपीट करता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए, तो विकास एवं उन्नति, इन दो शब्दों को पकड़िएगा, विकास एवं उन्नति दोनों की शादी करवा देते हैं, ठीक है, तो विकास एवं उन्नति, ठीक है, तो विकास एवं उन्नति के लिए चेतना पूर्वक, तो विकास और उन्नति की शादी करवाएंगे लेकिन होशो हवास पे, चेतना पूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है ना भाई। तो मैकेजी के अनुसार विकास और उन्नति की होशो हवास में शादी करवा दो, तो मैकेजी का शिक्षा का संकुचित अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, और पूर्व परीक्षाओं में मैकेजी का स्टेटमेंट पूछा हुआ है, इसलिए इसको याद कराने के दृष्टिकोण से मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इसके बाद हम देखते हैं अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा के संकुचित अर्थ के आधार पर परिभाषित किया हुआ है। तो यहां पर देखिएगा ये जो स्लाइड आपके सामने है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करने के उद्देश्य से अलग अलग व्यक्तियों ने, दार्शनिकों ने या शिक्षाविदों ने इसको द्विध्रुवी, त्रिध्रुवी, बाइपोलर, ट्राइपोलर और क्वाड्रपोलर, मतलब चतुर्ध्रुवी, इस प्रकार से शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट किया है। तो अब यहाँ पर हमको तैयारी किस प्रकार से करनी है, किस तरह से इसको याद रखना है, ये समझिएगा। एडम स्मिथ, तो पहले तो ये ध्यान में रखना है कि बाइपोलर या द्विध्रुवी किस किस ने कहा है, तो एडम स्मिथ और प्रिचर्ड रॉस, एडम स्मिथ और प्रिचर्ड रॉस, ये दोनों ने द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा है, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा है। इसमें द्विध्रुवी मतलब दो लोगों के बीच, तो वो दो लोग कौन है, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी, ठीक है, तो शिक्षक और शिक्षार्थी, तो शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसका कथन है, प्रश्न बनता है। तो यह जो है एडम स्मिथ और प्रिचर्ड रॉस का कथन है। द्विध्रुवी प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं, तो द्विध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी ही शामिल होते हैं इनके अनुसार। त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रक्रिया है, प्रोसेस है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसने कहा, जॉन डीवी ने कहा, राय वर्न ने कहा और बेंजामिन एस ब्लूम ने कहा, ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। लेकिन इन तीनों ने भी त्रिध्रुवी में अलग अलग किसके किसके बीच होगा, तो वो जो तीन ध्रुव है वो भी अलग अलग बताए हैं, ठीक है। जॉन डीवी के अनुसार ये शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है, शिक्षक, शिक्षा जो है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संपन्न कराए जाने वाला निश्चित पाठ्यक्रम, ये किसका स्टेटमेंट है, ये जॉन डीवी का स्टेटमेंट है, त्रिध्रुवी, है ना भाई। तो त्रिध्रुवी शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसने कहा, तो जॉन डीवी ने कहा, रायबर्न ने कहा और बेंजामिन एस ब्लूम ने कहा, या इनमें से किसके अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया नहीं है, तो तीन का नाम ये है इनके अनुसार है, चौथे का नाम वही जो आपका आंसर होगा, नहीं है पूछेगा तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो शिक्षक शिक्षार्थी के बीच का पाठ्यक्रम, तो ये तीन ध्रुव शामिल होंगे जॉन डीवी के अनुसार, जबकि राय बर्न ने क्या कहा, त्रिध्रुवी तो है लेकिन किनके किनके बीच, तो ये बालक की प्रकृति, स्वयं का ज्ञान और विषय के ज्ञान के बीच,
ठीक है, मतलब बालक की प्रकृति, स्वयं का ज्ञान और विषय का ज्ञान। इसको ऐसे समझिएगा कि पहले जैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे को हॉस्टल वार्डन की तैयारी करनी है ना भाई, तो आपके सीखने की प्रक्रिया या उसकी प्रकृति, आपकी प्रकृति कैसी है सीखने को लेकर के, क्योंकि हर स्टूडेंट का, हर व्यक्ति के सीखने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है, एक जैसा कभी किसी का नहीं होता। फिर स्वयं का ज्ञान, ठीक है, जो आपके अंदर ज्ञान है वो, या जो पढ़ाने वाले के अंदर ज्ञान है वो, फिर विषय का ज्ञान, ठीक है। तो उन तीनों को मिला करके जो अंतिम रूप से परिणाम आएगा वो आपकी तैयारी होगी। तो इस तरह से प्रकृति, स्वयं और विषय का ज्ञान, ये तीन ध्रुवों को लेकर के त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये किसने कहा? रायवर्द ने कहा, ठीक है। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगा। बस प्रवचन सुनने जैसा, जैसे कथा सुनाई जा रही हो, इस प्रकार से एकदम मस्त हाथ मोड़ करके आराम से बैठ करके प्रवचन की तरह सुनिए। दिमाग में कुछ डालने का प्रयास मत कीजिए, स्वतंत्र होकर, निश्चिंत होकर सुनिए। मैं वादा कर रहा हूं कि अपने आप आपको याद हो जाएगा, लेकिन याद करना है करके क्लास अटेंड करोगे तो नहीं याद होगा। प्रवचन की तरह सुनो, कथा की तरह सुनो, जैसे रामायण की कथा होती है, महाभारत की कथा होती है, वैसे ही बाल मनोविज्ञान की कथा सुनाई जा रही है अनीश सर के द्वारा, ऐसा समझिए आप। और कथा का आनंद लीजिए, और कथा में अलग अलग समय अलग अलग प्रकार के रस का अनुभव भी आपको होगा, इसका भी पूरा लाभ मेरे साथ उठाते रहिए तो मजा आएगा। तो प्रकृति, बालक की प्रकृति, स्वयं और विषय के ज्ञान, तीन ध्रुवों को लेकर के त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, रायवर्द ने कहा। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तीन ध्रुवों को लेकर के त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी ने कहा। क्या? शिक्षा, ठीक है। फिर बेंजामिन एस ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, सीखने का अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। तो उद्देश्य, अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, तीन ध्रुवों को लेकर के त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये बेंजामिन एस ब्लूम ने कहा। चतुर्ध्रुवी प्रक्रिया है, ऐसा भी एक व्यक्ति का कहना है जिसका नाम है मैकडोनाल्ड। अब ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि मैकडोनाल्ड के चतुर्ध्रुवी प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, ये आपके सीजी टेट में ही एग्जाम आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है। तो चतुर्ध्रुवी प्रक्रिया में क्या शामिल है ये मैं आपको बता देता हूं। पाठ्यक्रम, सिलेबस, अनुदेशन, शिक्षक और अधिगम। पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षक और अधिगम, ये चार चीजें जो है मैकडोनाल्ड के चार ध्रुव है, और इसके अनुसार शिक्षा एक चतुर्ध्रुवी प्रक्रिया है। ये किसका स्टेटमेंट है? मैकडोनाल्ड का स्टेटमेंट है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा एक चतुर्ध्रुवी प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा? तो मैकडोनाल्ड ने कहा। किसने कहा? मैकडोनाल्ड ने कहा। इस तरह से इसको आपको याद रखना है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो मैकडोनाल्ड ने चतुर्ध्रुवी प्रक्रिया है शिक्षा को इस तरह से बताया है। अब देखते हैं, हम शिक्षा की परिभाषा के ऊपर बात ही कर रहे हैं, आज का पूरा जो टॉपिक है वो शिक्षा पर ही आधारित है। तो अलग अलग प्रकार से शिक्षा को और जो परिभाषित किया गया है उसको भी हम देखेंगे। जरूरी है चर्चा करना, इसलिए क्योंकि इन सभी जगह से प्रश्न आए हुए हैं, और निश्चित तौर पर फिर से यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है। तो हमारा उद्देश्य सिलेक्शन के लिए ऐसा होना चाहिए कि हम सिलेबस का हर टॉपिक पूरा पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आए हमसे बनना चाहिए, इस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए। और इसी तरह से आपकी पूरी तैयारी हम कराएंगे, जो टाइम आपको बताया गया है उस टाइम पर डेली क्लास अवेलेबल हो जाएगी। क्लास हम रिकॉर्डेड मोड पर इसलिए दे रहे हैं ताकि रेगुलर टाइम से दिया जा सके, कभी कभी करंट वगैरह ऑफ होता है तो लाइव क्लासेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, या कभी इधर उधर आना जाना हुआ तो क्लास नहीं हो पाती। तो रिकॉर्डेड मोड पे हम कहीं जाना भी है तो पहले से क्लास रिकॉर्ड करके उस टाइम पे आपको अवेलेबल करा देंगे, इसलिए रिकॉर्डेड मोड पर दिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। समय कम है, कम से कम समय में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हम 2 महीने में पूरा सिलेबस तैयार कर लेंगे, और उसके बाद एग्जाम जब भी हो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, टेस्ट से प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं ऑब्जेक्टिव बुक भी पब्लिश करूंगा, उससे प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ऑफलाइन टेस्ट देंगे, तो इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम वाले दिन महसूस ही ना हो कि जैसे हम कोई एग्जाम देने के लिए आए हैं।
चलिए वापस टॉपिक पर आइए। तो शिक्षा की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उसको भी हमको तैयार करके जाना है। मैं बार बार कह रहा हूं, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ नोट्स में टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, बढ़िया स्क्रीन पे ओपन करके अपनी कॉपी में देख देख करके आराम से नोट कीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। शिक्षा की परिभाषा के ऊपर हम बात करें तो ये देखिएगा, वेद, वेद में क्या बताया गया है, विद्या वह है जिसके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण होता है। प्रश्न बन गया भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण, शिक्षा द्वारा भौतिक या विद्या द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण होता है, ये किसमें बताया गया है, ये वेदों में बताया गया। उपनिषद सा विद्या या मुक्तये, अर्थात शिक्षा वही है जिससे मुक्ति मिलती है, तो शिक्षा वही है जिससे मुक्ति मिलती है ये कहां बताया गया है, तो ये उपनिषद में बताया गया है। आप लोग भी साथ साथ कमेंट करते रहा कि रे। श्रीमद् भगवद गीता में आत्मज्ञान की प्राप्ति तत्पश्चात विराट पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। लोग ये बहुत विशाल परिभाषित कर दिया, विराट पुरुष के बारे में महाभारत में हम सभी ने देखा भी है, सुना भी है। अब हम लोगों ने महाभारत में किस प्रकार से देखा है, तो टीवी में देखा है, महाभारत में वास्तविक में तो ना आप थे ना मैं था, ठीक। तो समझिएगा, विराट पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है, ऐसा कहां बताया गया है, ये श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। वैशेषिक सूत्र महर्षि कणाद का है, वैशेषिक सूत्र, तो इसमें जो है धर्म आपका भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हो वही धर्म है और उसी को शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हो, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति, महर्षि कणाद वैशेषिक सूत्र शिक्षा की परिभाषा। फिर देखेंगे स्वामी विवेकानंद, अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्वामी विवेकानंद जी का जो स्टेटमेंट है ये शिक्षा की परिभाषा के उद्देश्य से प्रश्न को अलग अलग प्रकार से घुमा घुमा करके सीजी टेट सी टेट में कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर ये, ठीक है। मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, तो शब्द को पकड़िएगा, पूर्णता, पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये किनका कथन है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। इन्होंने शिक्षा को किस प्रकार से परिभाषित किया, तो इन्होंने कहा पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, पूर्णता को अभिव्यक्त, तो पूर्णता शब्द को पकड़िएगा, जहां पर भी पूर्णता शब्द की बात हो तो समझ जाइएगा प्रश्न का उत्तर स्वामी विवेकानंद लेना है। आज की ही क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, शिक्षा का कार्य बालक के मस्तिष्क को शुद्ध नैतिक व बौद्धिक मूल्यों को अनुभव करने में इस प्रकार से सहायता देना है कि वह इन मूल्यों से प्रेरित होकर सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य और जीवन में प्राप्त कर सके। क्या मस्तिष्क को शुद्ध नैतिक व बौद्धिक मूल्यों का अनुभव करने के लिए इस प्रकार तैयार करना कि अपने जीवन में सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य और जीवन को प्राप्त कर सके, ठीक है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा हुई। महात्मा गांधी जी, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा व्यक्ति के शारीरिक मानसिक एवं आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है, ठीक है। क्या क्या शामिल हुआ है महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से इनका अभिप्राय क्या है, तो व्यक्ति के शारीरिक मानसिक एवं आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी के अनुसार। रविंद्रनाथ टैगोर जी की हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार हम देखें तो शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। तो इसमें किस प्रकार से इसको याद रखने का प्रयास करेंगे, तो शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण सत्ता के साथ साथ
स्वन्मय स्थापित करने की शक्ति देती है, जीवन की संपूर्ण सत्ता। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने जो परिभाषित किया उसमें हमने पूर्णता शब्द को लिया, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के में हम क्या करेंगे, संपूर्ण सत्ता शब्द को पकड़ेंगे, इस तरह से परिभाषित किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको चार में से एक सही उत्तर का चयन करना है, तो आराम से किया जाता है, किया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, फिर देखेंगे अरस्तु। तो अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। क्या कहा इन्होंने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में दो तीन बार पूछा जा चुका है इनका जो स्टेटमेंट है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर के। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। फिर देखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। ठीक है, फिर जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। तो वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है शिक्षा, ऐसा किसने कहा, जॉन डीवी ने। ठीक है, जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। ठीक है, प्रोवेल के अनुसार हम देखें तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति का रूप प्रदान करता है। तो आंतरिक को बाह्य शक्ति का रूप प्रदान करता है, किसने कहा, प्रोवेल ने, महत्वपूर्ण है याद रखिएगा। ड्राइवर की हम बात करें तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान चरित्र तथा व्यवहार को ढाला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ज्ञान एवं चरित्र, ज्ञान चरित्र तथा व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है, किसके अनुसार, ड्राइवर के अनुसार। रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशवावस्था से लेकर पौड़ावस्था तक गुजरता है, शिशु अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक गुजरता है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से क्रमशः अनुकूलन करता है, वही शिक्षा है। किसके अनुसार, रेमंड के अनुसार, टी रेमंड के अनुसार। फिर हम देखें कमेनियस, सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है, किसके अनुसार, कमेनियस के अनुसार। ओटावे के दो स्टेटमेंट है, निसंदेह सत्य है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है, ये ओटावे ने कहा, और शिक्षा का कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों व्यवहार के प्रतिमानों को तरुण एवं कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है, यह भी किसका स्टेटमेंट है, यह भी ओटावे का ही स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विलमार्ट के अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी है, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट है, विलमार्ट के अनुसार शिक्षा जो है जीवन की तैयारी है, और एडम स्मिथ के अनुसार शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। तो विलमार्ट और एडम स्मिथ का ये जो दो स्टेटमेंट है वो जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में आने की संभावना बनती है यहां से। शिक्षा जीवन की तैयारी है विलमार्ट, और शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है एडम स्मिथ। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूं, नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा, तो उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर अब हम देखते हैं शिक्षा का जो कार्य है, तो शिक्षा का जो कार्य है उसको तीन भागों में बांटा गया, दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार हम देखेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार हम देखेंगे, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हम देखेंगे। ठीक है भाई, दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अभी ये समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा का कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर के, शिक्षा का जो कार्य है, तो दार्शनिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करें, बात करें, तो दार्शनिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख कार्य भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति है। ठीक है, बिना किसी व्यक्ति का नाम शामिल किए हुए यदि आपसे पूछा जाए कि शिक्षा का कार्य दार्शनिक दृष्टिकोण से क्या है, तो एक शब्द में आपको प्रश्न का उत्तर देना है, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति दार्शनिक दृष्टिकोण से। इसका समर्थन सभी दार्शनिकों ने किया एकमात्र चार्वाक को छोड़कर। तो ये भी ध्यान रखना है,
कि चार्वाक के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति शिक्षा का मुख्य कार्य नहीं है। चार्वाक के अनुसार बाकी सभी ने इस कथन का समर्थन किया है। ठीक, तो इसमें देखिएगा, जो भी दार्शनिक हैं वो जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है ये मानते हैं। दार्शनिकों के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, अब हम देखें अलग अलग दार्शनिकों के नाम से उनको शामिल करते हुए, तो चार्वाक के अनुसार हम बात करें तो कामेव एकम पुरुषार्थ, अर्थात काम ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। यहां पर क्या शिक्षा का दार्शनिक दृष्टिकोण से शिक्षा का मुख्य कार्य क्या? भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति, जो कहीं पर भी चार्वाक के स्टेटमेंट से मैच नहीं करता। तो काम ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, काम ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, किसका कथन है? फटाफट कमेंट करो, ये चार्वाक का कथन है ना भाई। ठीक है, जो भी जीवन जीना है सुख से जियो, चाहे कर्ज लेकर घी पियो। तो भौतिक जीवन का सुख जितना अधिक उठा सको, इस बात का समर्थन किया है चार्वाक ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो काम ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अब यहां पर फिर हम मनु की बात करें तो तीन पुरुषार्थ ये मानते हैं, मनु तीन पुरुषार्थ मानते हैं, धर्म, अर्थ और काम। ठीक है, जैसे यहां पर चार पुरुषार्थ हैं तो इनमें से तीन को मनु मानते हैं, धर्म, अर्थ और काम, जिसमें से धर्म को वो प्रमुख मानते हैं और अर्थ और काम को गौण मानते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि दार्शनिक मनु के अनुसार जो प्रमुख पुरुषार्थ है वो क्या है? तो उनका जो प्रमुख पुरुषार्थ है उनके अनुसार वो क्या है? धर्म है। तो वे धर्म पुरुषार्थ को प्रमुख मानते हैं और अर्थ और काम को गौण, मतलब उसके बाद। ठीक है, तो धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ का समर्थन करते हैं दार्शनिक मनु। फिर वात्स्यायन की हम बात करें तो ये भी तीन पुरुषार्थ को मानते हैं, धर्म, अर्थ और काम, लेकिन ये प्रमुख किसको मानते हैं? तो ये काम को प्रमुख मानते हैं, जबकि धर्म एवं अर्थ को गौण मानते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या? काम। ठीक है, तो वात्स्यायन ने भी तीन पुरुषार्थ माना, धर्म, अर्थ और काम, मनु ने भी तीन पुरुषार्थ माना, धर्म, अर्थ और काम, और कौटिल्य ने भी तीन पुरुषार्थ माना, धर्म, अर्थ और काम। लेकिन मनु ने इन तीनों में प्रमुख धर्म को माना है, वात्स्यायन ने इन तीनों में प्रमुख काम को माना है, और कौटिल्य ने इन तीनों में प्रमुख जो है पुरुषार्थ अर्थ को माना है। ठीक है, कौटिल्य ने इन तीनों में प्रमुख क्या है? अर्थ को प्रमुख माना है। तो तीनों को पुरुषार्थ माना तो तीनों ने है, पर तीनों ने प्रमुख अलग अलग माना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ध्यान रखना है और इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो ये हुआ शिक्षा का दार्शनिक दृष्टिकोण शिक्षा के कार्य के अंतर्गत। फिर शिक्षा का सामाजिक दृष्टिकोण के ऊपर हम बात करें तो देखिएगा, सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या आ जाता है? शिक्षा का जो कार्य है उस कार्य को हम सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखें। ठीक है, तो सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का तात्पर्य अभिप्राय मानव की भौतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समायोजन की क्षमता का विकास करना है। भौतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समायोजन की क्षमता का विकास करना है। ऐसा नहीं है कि जहां चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, सिर्फ वहीं राजनीति होती है। राजनीति या पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह होती है। आप जिस घर परिवार में रहते हैं वहां भी होती है, जहां आप कार्य करते हैं वहां पे भी होती है। आपने कई बार सुना होगा कि यार मैं जहां काम करता हूं वहां बहुत पॉलिटिक्स होती है, ऐसा करके। ठीक है, तो आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा। तो इन्हीं सारी चीजों के बीच समायोजन, मतलब सामंजस्य बिठाना ही इसके सामाजिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। अब सीधी सी बात है, हमने भी बहुत सारे प्लेसेस में काम किए, अभी भी हम बहुत सारी जगह काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग और संस्था भी हमसे जुड़ करके काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने जहां काम किया वहां पर भी कई जगह पॉलिटिक्स होती थी। हो सकता है जितने सारे सिस्टम अभी मेरे अंडर काम कर रहे हैं वहां पर भी पॉलिटिक्स होती होगी,
मेरा प्रयास नहीं होता कि मैं करूं, लेकिन हो सकता है होती होगी, इम्प्लॉयज होते हैं, लोग होते हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ये कभी भी किसी भी प्रकार से हमको प्रभावित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके साथ अपने काम का सामंजस्य हमें कैसे बिठाना था, ये हमने अपने जीवन में शिक्षा से, अनुभव से सीखा था, जाना था, हमको मालूम है कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो यही इसका प्रमुख रोल है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के हिसाब से हम बताएं। तो सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखें तो शिक्षा का अभिप्राय भौतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समायोजन की क्षमता का विकास करना है। बहुत शानदार स्टेटमेंट है, जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा दिमाग में, बार बार बोल रहा हूं, बस अनीस सर का प्रवचन चल रहा है, ऐसा अनुभव कीजिए तो आराम से समझ में आ जाएगा। और बार बार मेरा प्रयास होगा कि व्यवहारिक अनुभवों से जुड़ने का प्रयास करूं, ठीक है। तो वर्क प्लेस का जो पॉलिटिक्स है उसी से रिलेट करके समझिएगा। सामाजिक दृष्टिकोण या समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण की कभी भी बात हो तो आपको किस लाइन को पकड़ना है, भौतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समायोजन की क्षमता का विकास करना ही शिक्षा है, ठीक है। ये सामाजिक दृष्टिकोण कहता है शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल हो। सुखी, नैतिक और कुशल हो। इसके अलावा हम देखें तो मैकईवर तथा पेज के अनुसार राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है, ठीक है। तो सामाजिक रूप से देखें तो शिक्षा से स्वयं का विकास, फिर समाज का विकास, फिर जिस आप राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र का विकास। तो ये सभी के लिए जवाबदार होता है शिक्षा का सामाजिक दृष्टिकोण। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर हम बात करें तो समझने का प्रयास कीजिएगा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या स्पष्ट करता है। सब में चीजें अलग अलग है। अभी क्लास को ही थोड़ा सा बैक करके आप फिर से देखें, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में मैंने अलग बात बताई, समाजशास्त्र दृष्टिकोण में मैंने अलग बात बताई, और अभी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, इसमें क्या प्रमुख है, इसको भी देख लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा का अभिप्राय अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया से है। किससे है? अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया से है। किस तरह से एजुकेशन देना है, किस तरह से शिक्षित करना है, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। स्वाभाविक सी बात है भाई, जैसे अभी ही देखिए छात्रावास अधीक्षक की हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे संस्थान है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हो रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, और सैकड़ों किताबें मार्केट में उपलब्ध है, बाजार में सैकड़ों प्रकार की किताबें हैं। लेकिन यहां पर भी देखिएगा जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी के सभी एक ही टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, सबके सब अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, अलग अलग टीचर से तैयारी कर रहे हैं। तो अलग अलग टीचर मतलब जिनसे उनको ज्यादा समझ में आए, पहली बात। और दूसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, टीचर कितना ओरिजिनल कंटेंट सही तरह से डिलीवर कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, आपको भी बहुत आनंद आया, लेकिन एग्जाम में प्रश्न नहीं फंसे और नहीं बने तो इसका कोई मूल्य नहीं होगा। क्योंकि यहां पर आपके और मेरे जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, पहला, ठीक है। मेरे को तो जो भी क्रेडिट चाहिए, जो पब्लिसिटी चाहिए, वो तो है ही है, वही मेरी एक्चुअल फीस है, नो डाउट, ठीक है। अब आप पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, और अब आप क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं, मान लो पसंद आने के बावजूद, तो फिर ये तो आलस हुआ ना, तो ताली दोनों हाथ से बजती है, इसका भी ध्यान रखें। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा का अभिप्राय कहां पर आ जाता है? अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया। तो इसमें देखिएगा स्कीनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन किसके अनुसार? स्कीनर के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। बहुत शानदार स्टेटमेंट है गिलफोर्ड का, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन। जैसे
कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गुस्से से आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए उससे विनम्रता से बातचीत की, उसने फिर गुस्से से बात की या बदतमीजी से बात की, आपने फिर विनम्रता से बात की। अब जब लगातार आप विनम्रता से बात करते रहेंगे तो एक स्थिति कुछ देर बाद ऐसी होगी कि जो व्यक्ति आपसे गुस्से से बात कर रहा है वह स्वयं को लज्जित महसूस करेगा और वह भी विनम्रता में आ जाएगा और वह आपसे क्षमा मांगने लगेगा, सॉरी बोलने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। अरे बात समझ में, अब कोई व्यक्ति गुस्से से बात करता है और आप भी गुस्से से बात करते हो तो दोनों के दोनों का गुस्सा बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा और थोड़ी देर बाद मारपीट का रूप ले लेगा। ये भी क्या हुआ, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। अरे बात समझिए, दोनों तरह के उदाहरण आपके सामने हैं। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। फिर क्रो एंड क्रो के अनुसार हम देखें तो आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। इस प्रकार अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। मानव व्यवहार के ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक गुण समाहित रहते हैं अधिगम में। आ रही बात समझ में, अधिगम लगभग स्थायी प्रकृति का व्यवहार परिवर्तन होता है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। इस तरह से अधिगम को बताने का या परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये स्पष्ट करता है कि शिक्षा जो है अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया से है। शिक्षा का जो अभिप्राय है वो किससे है, अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। आज की क्लास में हमने सिर्फ शिक्षा एवं मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा वाले टॉपिक पर चर्चा की। कल की क्लास में हम मनोविज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी देखिएगा, आज जो क्लास हुई उस पे बेस्ड क्वेश्चन जैसे हैं, अब आप लोग की जवाबदारी बनती है कि क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं तो आंसर बताऊंगा ही, लेकिन पहले आप अपना आंसर कमेंट करके मुझे बताएं। यदि आप आंसर कमेंट करते हैं तो मैं सही आंसर कमेंट करते हैं तो मैं समझ पाऊंगा कि मेरे माध्यम से आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है, हो रही है। आपको जो लगे वो आप आंसर कमेंट में दो। सही आपको लगता है तभी तो आप सही, यदि वो सही नहीं होता है तो गलत क्यों होता है, ये भी तो स्पष्ट होगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव हो के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, मैंने कहा था आज की क्लास में शब्द पकड़िएगा, शब्द कौन सा, पूर्णता का। तो पूर्णता वाली बात किसके द्वारा कही गई है, कमेंट करके आंसर दें। आंसर सी है इसका, स्वामी विवेकानंद जी। आ रही बात समझ में। फिर देखिएगा अगला प्रश्न, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। फिर से कौन सा शब्द आया, पूर्णता आया, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी, स्वामी विवेकानंद फिर से। ठीक है, फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। बालक के समाजीकरण, थोड़ा सा यहां टाइपिंग मिस्टेक है, बालक के समाजीकरण की, सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की, बालक में सर्वोत्तम को बाहर लाने की और बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। तो पूर्णता शब्द फिर से आया, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, डी। तो स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट पकड़ने के लिए एक ही शब्द पकड़िए, पूर्णता। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया। तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं आंसर में, कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी, जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी। तो इन्होंने सामाजिक उद्देश्यों के, व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर बल दिया है। शिक्षा को इन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया है, ये प्रश्न का उत्तर है। ध्यान रखिएगा, जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं भी करा रहा हूं ना, ये इस टॉपिक से ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और 99.9% पॉसिबिलिटीज पहले ये बनती कि इनमें से ही कोई प्रश्न पहले पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
जितने भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में क्लास में कराऊंगा ना, और जो टेस्ट सीरीज में जितने मैं क्वेश्चंस दूंगा, तो बाल मनोविज्ञान या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हिंदी इंग्लिश वगैरह में जितने भी 45 क्वेश्चन का जो वेटेज है, मैं इस बात का कमिटमेंट दे सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन क्लास और टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। तो क्लास तो यूट्यूब में पूरी तरह से फ्री है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। टेस्ट सीरीज हॉस्टल वार्डन का लॉन्च हो चुका है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अभी हमने दिया नहीं है, एक दो दिन में टेस्ट सीरीज का शेड्यूल एप्लीकेशन में ही अपलोड कर देंगे। तो द सीजीपीएससी कोच गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके उसमें हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। अभी ये सिर्फ 99 रुपीज की फीस में अवेलेबल है, फीस भी कोई बहुत ज्यादा उसकी नहीं है। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये TP Nunn, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, TP Nunn का स्टेटमेंट है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। किसने कहा था, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है, जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है, किसने कहा था? तो अब आज की क्लास में इस चीज को मैंने बोला भी था, बताया भी था, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सी प्रोबेल। देखिएगा क्लास को थोड़ा पीछे जाकर के देखिए, प्रोबेल के बारे में मैंने ये सेम स्टेटमेंट आपको बताया है आज की क्लास में, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसका कथन है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, ये किसका कथन है? देखिएगा ये भी आज की क्लास में मैंने आपको बताया है, एडम्स का ये कथन है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। फिर किसने कहा था सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे दें, किसने कहा था सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है कमेनियस, कमेनियस इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कमेंट करके इसका आंसर बताएं, और ये सीजीटेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है, चार ऑप्शन है आपके पास, ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करना, किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना, ठीक है। तो शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का विकास करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, व्यक्ति का विकास करना। फिर प्रश्न क्रमांक 10, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना और बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, इसका सही उत्तर है डी 1900, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का ये वर्ष माना जाता है 1900, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 सही उत्तर है इसका डी। फिर देखिएगा 1900 को अब आगे के लिए आप याद रखेंगे। फिर शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो कमेंट करके आप लोग मुझे इसका सही आंसर दें, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तो क्या, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ये ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। एक प्रभावी कक्षा में, ये भी प्रश्न आपका छत्तीसगढ़ में कई बार पूछा गया है, लास्ट टाइम जो शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम वगैरह हुआ उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उसकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा करते हैं। बच्चे अपने अधिगम सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो एक प्रभावी कक्षा में इनमें से क्या होता है,
तो एक प्रभावी कक्षा में ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सुगम अधिगम सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं बच्चे, ऐसी क्लास जो है वो प्रभावी क्लास होती है, इफेक्टिव क्लास होती है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, कमेंट करके इसका आंसर दे, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बहुत क्लियर है आंसर, बच्चे का सर्वांगीण विकास। थोड़ी देर पहले ही इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप से मैंने और डिस्कस किया था। प्रश्न क्रमांक 15, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 16, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह किसने कहा, किसका स्टेटमेंट है? तो ये जो है स्कीनर का स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी स्कीनर का स्टेटमेंट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। प्रश्न क्रमांक 17 हम देखें, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो उपनयन संस्कार वैदिक काल में किया जाता था। किस काल में किया जाता था? वैदिक काल में किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वैदिक काल। फिर हम देखें प्रश्न क्रमांक 18, शिक्षा है एक सामान्य विधि, विद्यालय एक तक सीमित है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत आसान है, इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 19, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य, सामाजिक समाजवादी दृष्टिकोण से है, तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य, ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोध विवेक वाणिज्य से समझ राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना, तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। फिर ये रहा प्रश्न क्रमांक 20 आपके सामने, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ, आज की क्लास में ही मैंने आपको बताया लैटिन भाषा से, ठीक है। फिर हम देखें बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान किसका है? बालक का है, ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 22 आपके सामने है और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा समाज शास्त्र, ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है इससे संबद्ध है और इसीलिए ही बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान को हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में शामिल किया गया है, क्योंकि इस पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा तो आपको क्या करना है, हॉस्टल के जो बच्चे हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर बालक का देखभाल, बच्चे की देखभाल करना और उसके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना सबसे जटिल कार्य है, सबसे कठिन कार्य है। बाकी मैं तो समझता हूँ कि दुनिया के सारे काम बहुत आसान है, सबसे कठिन कोई काम है तो किसी बच्चे का देखभाल करना, सबसे कठिन काम यही है। लेकिन दूसरा सत्य ये भी है कि सबसे ज्यादा आनंद देने वाला भी काम यही है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप लोग के कमेंट जब पढ़ते हैं ना तो हमको बड़े आनंद की अनुभूति होती है। एक अलग बात है कि हमने कोई फीस नहीं ली, लेकिन जो संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन आपके कमेंट के माध्यम से हमें मिलता है ना, वो किसी भी प्रकार के फीस से कहीं ज्यादा है, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरतिएगा, कमी नहीं रखिएगा। एक स्टूडेंट है, मैंने देखा आज की क्लास में जो कंप्यूटर वगैरह की क्लास हुई है, मोना राज, एक स्टूडेंट ने कमेंट में इस चीज को मेंशन भी किया है कि क्लास अच्छी लग रही है, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, यही सर लोग की एक्चुअल में अर्निंग होती है। बिल्कुल सही बात है और इस बेहतरीन कमेंट के लिए मैं मोना को खूब सारा धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ यदि क्लास को अटेंड करने में या समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो
तो इसको भी आप कमेंट करके बताएं। कमेंट करने का मतलब सिर्फ अच्छा कमेंट करना ही जरूरी नहीं है, जो अच्छा लगे जरूर बताइए, पर यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई सहायता की आपको आवश्यकता है तैयारी के उद्देश्य से, तो वो भी आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आई उसको भी आप कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा मेरा कि आप द सीजीपीएससी कोच ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पर जाकर के हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें, ताकि टेस्ट सीरीज और क्लासेस के माध्यम से मैं अच्छी तैयारी आप लोग की करवा सकूं। और दूसरी चीज है कि जो क्लासेस हम रिकॉर्डेड मोड पर यूट्यूब में फ्री अवेलेबल करा रहे हैं, ये सेम क्लास सेम कंटेंट एप्लीकेशन में 99 रुपीज की फीस में भी है, एकदम मिनिमम फीस रखा हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स को यूट्यूब वगैरह से रेगुलर क्लासेस अटेंड करने में कोई समस्या हो या यूट्यूब के एड वगैरह से इरिटेशन होता हो, तो उनके लिए ये बेहतर होगा कि एप्लीकेशन में भी आप चाहें तो सेम क्लास को ज्वाइन करके फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों जगह कंटेंट आपको सेम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एप्लीकेशन में अलग कंटेंट मिलेगा या अलग सर पढ़ाएंगे और यूट्यूब में अलग कंटेंट मिलेगा या अलग सर पढ़ाएंगे, सेम क्लास दोनों जगह आपको मिलेगी। बेहतर होगा कि आप फ्री क्लास को ही ज्यादा फॉलो करें, बाकी आपकी इच्छा है। इस दूसरे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे हमने ये फैसिलिटी भी एप्लीकेशन में अवेलेबल कराई। अगली क्लास में कल 9 बजे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो और इस तरह से हम पूरी तैयारी करेंगे और हर हाल में सिलेक्शन लेकर रहेंगे।